असली। मैम यहाँ पे बोलो, वीडियो के लिए यहाँ पे इधर अरे बराक भाई सर के साथ सिद्धांत भाई लाइट चलाना भाई वाइट बोला नहीं भाई ऐसे लाइट डालो रेस देना रे बाहर सर खाने के लिए आए पे लेफ्ट साइड सर यहाँ पे वीडियो भी अच्छे सर थोड़ा थैंक यू सर तो सोलो नहीं हो अरे फाड़ू है ना यार थैंक यू इनके शब्दों में फाड़ू है यार हम एक्सपेक्टिंग कि लोगों को पसंद आए फिल्म बिकॉज नंबर वन तो वही काउंट करता है और आज की डेट में कंटेंट सिनेमा चल रहा है लाइक वी हैव सीन लास्ट ईयर की बड़ी बड़ी फिल्में नहीं चली बट छोटी छोटी इंटरेस्टिंग फिल्में चल रही हैं तो इसका मतलब दर्शकों का टेस्ट ही बदल रहा है तो दिस इज़ वन ऑफ दोज टाइप ऑफ फिल्म्स एंड आई जस्ट होप कि ऑडियंस आके सपोर्ट करें देखें लाइक करें सब्सक्राइब करें वगैरह वगैरह यार ये बहुत ही प्यारा अद्भुत किरदार है यार मैं मतलब एक्चुअली पहले तो मैं बड़ा कन्फ्यूज़ था कि ऐसे लोग कैसे मतलब फिर मुझे याद आया एक सूरज बड़जात्या जी करके एक व्यक्ति हैं जिनसे मैं काफ़ी वाकिफ़ हूँ मेरी पहली फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस की थी सो आई रिमेंबर कि उनमें जो नाइसिटीज़ हैं उनमें जो मतलब अच्छाई है प्योरिटी है उसको कैप्चर करके मैंने कोशिश की है नॉट दैट मैंने उनकी नकल की है आई मीन फुल रिस्पेक्ट ही लॉन्च माई करियर बट उनकी अच्छाई मैंने अंदर डालने की काफ़ी कोशिश की मैंने बिल्कुल यार बिल्कुल आप मेरी सारी फिल्मोग्राफी उठा के देख लो पिज्ज़ा लाल रंग गुड़गांव कालाकांडी ये बॉम्बेरिया या जो भी मेरी वेब सीरीज़ हैं सिलेक्शन डे वगैरह मैं उसी से आकर्षित हूँ मतलब रियल सिनेमा बिकॉज मेरी ट्रेनिंग एज एन एक्टर मैं थिएटर का एक्टर हूँ एंड मेरी ट्रेनिंग उस तरह से हुई है तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आती है तो ये रियल स्पेस में काम कर रहा मैं पहले से कर रहा हूँ अब जा करके वो बॉक्स ऑफिस में रिजल्ट्स दे रहा है
एंड मेरी भी बारी आएगी तो मैं उससे काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि एटलीस्ट आई एम ऑन द राइट ट्रेन। यार उनको अच्छी लगी फिल्म तो बहुत मज़ा आएगा बिकॉज आज की डेट में अच्छी फिल्में ही चलती हैं नो मैटर कि कितनी दूसरी फिल्में रिलीज़ हो रही है क्या हो रहा है बॉक्स ऑफिस पे, अगर फिल्म अच्छी है निकल जाएगी और उसकी चर्चा होगी। जैसे गुड़गांव जैसी फिल्म छोटे पैमाने पर रिलीज़ होने वाली फिल्म अगर अच्छी है उसकी चर्चा होनी है, आप उसको रोक नहीं सकते। तो बस वही है उम्मीद कि लोगों को पसंद आए तो इसकी चर्चा हो थोड़ी। मुझे अक्षय सीरीज आपने बहुत सारे किरदार में आपको ऑलरेडी देख चुके हैं, ऐसा कौन सा किरदार है जो करने की चाहत हो जो अभी तक इसके लिए मौका ना मिला? यार मुझे एक पीरियड फिल्म करनी है बिकॉज मुझे लगता है कि इसमें इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का बहुत बड़ा हाथ प्ले करेगा क्योंकि उसमें बहुत सोचने को मिलेगा कि भाषा क्या है इस बंदे की, वो ड्रेस कैसे करता है, चलता कैसे है, उसके इंटरेक्शंस लोगों के साथ कैसे हैं। तो आई थिंक इफ कोई बट उसके लिए और बड़ा बजट चाहिए तो उसके लिए मैं और बड़ा स्टार बन जाऊँ पहले तो फिर शायद ऑफर होगी मुझे। आई विश टू ब्रदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई, मिलते हैं यार। Yeah, yeah.